अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के लिए यहाँ से अपने को रूट चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी बड़े स्पेस में दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऊपर में कुछ भी भाई, अभी तो सब बंद है। अभी सब बंद है। अच्छा, यहाँ पे रुकना भी चाहते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं। होटल की व्यवस्था रहेगी आने वाले समय में, और चेयर भी दिए हुए हैं बैठने के लिए। यात्रीगण वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपका बस निकलने वाला रहेगा तो यहाँ अनाउंस किया जाएगा रोक भिलाई की गाड़ी। के बाद मैं आप लोगों को सिटी से आप कैसे आ सकते वो बता दूंगा। जाते जाते सन्नाटा पड़ा हुआ है भाई, पुराना बस स्टैंड। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रोड पे को फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो अभी आप लोगों का मैं कमेंट का रिप्लाई दे रहा था, उसमें से बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि रायपुर में भी नया बस स्टैंड बना हुआ है तो वहां का व्लॉग देखना चाहते हैं। अंबिकापुर गया हुआ था ना, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन मैं प्लानिंग पहले से करके रखा हुआ था अंबिकापुर का, तो मैं नहीं बना पाया। मुझे रायपुर में थोड़े बहुत काम भी है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर आप लोगों को मैं बतलाते हुए चलूंगा। अभी जो नया बस स्टैंड बना हुआ है कहाँ पर है, नया बस स्टैंड तो सब जानते ही है, पंडरी पर है। जो नया बस स्टैंड है ना, वहाँ के स्थानीय लोग के अलावा ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि नया नया खुला हुआ है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। राजनांदगांव, दुरू, भिलाई, ये सब जगह से आते हैं तो अपने कोई चौक मिलेगा, तो लेफ्ट साइड ये बिलासपुर अंबिकापुर लेके जाती है सीधा सिटी के लिए। तो मैं यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। रीजन ये है कि कई लोग यहाँ से भी आ सकते हैं, आपको सिटी से भी बतला दूंगा बस स्टैंड अभी जो नया बना हुआ है, ताकि वो प्रॉपर आपको एक जानकारी हो जाए कि आप कहाँ से जा सकते हैं, और सिटी से हो चाहे सिटी के बाहर से आप लोगों को कहाँ पर बस मिल सकती है। तो ये सीधा सिटी के लिए लेके जाती है, और ये टाटीबंध होते हुए मतलब कि सिटी क्रॉस करते हुए। तो पहले मैं यहाँ से आप लोगों को दिखला देता हूँ, देन उसके बाद फिर अपन सिटी से भी दिखला देंगे। तो यहाँ पर डी मार्ट है, ये देखिए, यहाँ से और आगे चलना है अपने को। हम लोग सीधे सीधा चल रहे हैं, ये आगे साइड में है अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड। ये सब कंपनी आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े शोरूम है इस साइड में, टाटा मोटर्स, और ये लक्ष्मी करके लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है भाटा गांव, तो ये ध्यान में रखिएगा भाटा गांव। यहाँ पे लिखा है लोक निर्माण विभाग। अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के लिए यहाँ से अपने को रूट चेंज करना पड़ेगा, ये हाईवे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये हाईवे को अपन छोड़ दिए हैं, यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना पड़ेगा बस स्टैंड के लिए। और यहाँ पे इतने सारे बस भी नज़र आ रहे हैं मुझे, काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे, हमारे रिश्तेदार रहते हैं ना, तो आया हुआ था मैं, तो उस समय ना काम चल रहा था, तो किसी ने बताया था कि ये नया बस स्टैंड बन रहा है, चौड़ा चौड़ा रोड है, ये भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, यहाँ भी होटल वोटल सब मिल जाएंगे आपको। ये क्या लिखा है, सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति, वो सामने में नज़र आ रहे हैं मुझे बस स्टैंड। सुंदर सा बना दिया भाई ये बस स्टैंड को, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बस स्टैंड है। रेलवे स्टेशन भी फेल है भाई, और यहाँ पे गेट वन गेट टू ऐसा करके पूरा मेंशन किया हुआ है। गाड़ी पार्किंग के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिए हुए हैं, एक गार्डन जैसा बना हुआ है जहाँ पे कुछ समय बिता सकते हैं अगर आपकी बस लेट में है तो। और ये रहा बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, महल जैसा दिख रहा है एकदम। उस समय आया था ना तो व्हाइट कलर में पेंट था, अभी तो कलर चेंज हो गया है, और बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और बस खड़ी है भाई, यहाँ से आप लोगों को जहाँ भी आपको जाने हैं हर एक बस आपको मिल जाएगा। आप अंबिकापुर जाइए, रायगढ़ जाइए, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, जहाँ भी आपका जाना होता है। उधर क्या है भाई, उस साइड से दिखलाता हूँ आपको पूरा यहाँ का नज़ारा। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेंगे, ये देखिए दूर से नज़ारा, श्री बालाजी ट्रस्ट दूधाधारी मठ ऐसा करके लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल। देखो यहाँ पे दुकान ही लगते थे, अब दुकान भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे क्या है, अजय टेंट मॉल, ये क्या है भाई, ये मंदिर है, ये बहुत सुंदर सा मंदिर दिख रही है अभी। अब इस साइड का एरिया दिखाता हूँ मैं, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। काफ़ी बड़े स्पेस में दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, फिर सोच समझ के इस बस स्टैंड को बनाए हुए हैं। ये देखो बिलासपुर के लिए बस रवाना हो रही है, एक धमतरी के लिए जा रही है, और इतने सारे यात्रीगण हैं यहाँ पे। बनारस, अरे भाई साहब बनारस भी जा रही बस, ये कौन सी बस है, लिखा नहीं है कहीं नाम, राजिम, राजिम लेके जा रही है। बस स्टैंड का पिछले वाला हिस्सा है ये, देखो कितना भीड़ है यहाँ पे,
चलो गाइस मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर से दिखलाता हूँ। नीचे में भी पूरा खाने पीने से रिलेटेड दुकान लगे हुए हैं, अच्छे से ओपन हुआ नहीं है, धीरे धीरे ये ओपन होगा। गाड़ी में इधर ही पार्क करता हूँ। गाइस तो अभी मैं नया बस स्टैंड के पास में हूँ और काफ़ी बड़ा बना हुआ है, आप मेरे पीछे साइड में देख रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना खूबसूरत सा बस स्टैंड बना हुआ है। चलिए आप लोगों को पूरा दिखलाता हूँ घूमकर। सामने में है ये गार्डन स्पेस है, यहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे वेटिंग भी है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं अंदर में। पहले मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर में है क्या भाई साहब, उसके बाद फिर अपन नीचे की एरिया देखेंगे। और यहाँ पे गार्ड है, पूछते हैं गार्ड से ऊपर में क्या भी है। ऊपर में कुछ भी भाई, अभी तो सब बंद है। अभी सब बंद है? अच्छा, मतलब कि क्या खुलेगा? माल दुकान है, दुकान है, लॉज है। अच्छा, लॉज भी रहे, दुकान भी अभी चालू नहीं है। ऊपर ग्राउंड फ्लोर में चालू हुआ है सर। अच्छा अच्छा, नीचे वाला ना, एक बार ऊपर से देख सकता हूँ कि ये वाला। हाँ, यहाँ से ही देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं थोड़ा ऊपर से आप लोगों को दिखलाता हूँ, अभी प्रोसेस चल रहा है इसका। आने वाले समय में आप लोगों को काफ़ी कुछ होटल, रेस्टोरेंट और भी बहुत चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देखिए काफ़ी सही बना हुआ भाई, पंखे भी देखिए, अलग ढंग के पंखे हैं यहाँ पे। नीचे खुल चुका है, लिफ्ट की भी व्यवस्था है, बहुत सही है भाई, लिफ्ट की व्यवस्था है यहाँ पे। सॉफ है, ये देखो कितने बड़े बड़े बने हुए हैं। बाकी बाहर का एरिया भी है, इधर देखिए तो यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। और बाहर का नज़ारा देखिए, यकीन मानिए ये बड़े बड़े सिटियों में हुआ करता है। ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ भी डेवलप हो रहे हैं। इतने भी बड़े बड़े सिटियां हैं जैसे कि बिलासपुर, बिलासपुर वहाँ भी इस तरह से बनना चाहिए। बाकी यहाँ से हॉल देखिए, तो मैं आप लोगों को नीचे भी ले चलूँगा। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो डेली ट्रैवल करते हैं उन लोगों को पता है, यहाँ के स्थानीय लोगों को पता है, कि जो बाहर से जो लोग आए ना उनको नहीं मालूम है। ये जो हमारा वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको जानकारी मिलेगी। गाइस तो मैं ऊपर में और नहीं जाने वाला, शॉप जो है अभी ओपन हुए नहीं है। और आने वाले समय में जितने भी शॉप आपको नजर आ रहे हैं और काफी ऊपर में, 1 2 3 3 फ्लोर है यहाँ पे, नीचे ग्राउंड एरिया है, इतना बनाया है तो वसूलेंगे भी। पार्किंग अच्छा खासा बना हुआ है यहाँ पे, पार्किंग स्थल। और ये है यहाँ का गार्डन एरिया, तो यहाँ भी पेड़ पौधे अच्छे खासे लगाए हुए हैं, तो आने वाले समय में ये जो पेड़ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, आरामदायक रहेगा ये जगह। ऊपर में वेटिंग हॉल भी रहेगा, यहाँ पे रुकना भी चाहते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं। होटल की व्यवस्था रहेगी आने वाले समय में। कि मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हैं आलिशान महल जैसा नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या क्या टिकट प्राइस है यहाँ पे और कहाँ कहाँ तक बस जाती है। वैसे तो मुझे पता है ऑल इंडिया पूरी बस जाती होगी यहाँ से, मैंने गाड़ी वहीं पर पार्क कर दिया है। तो यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक सामने वाला है और दूसरा ये वाला, तो अपन इधर ही चलते हैं। देखिए इस तरह से स्पेस है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या चाहिए भाई, इतना बेहतरीन बस स्टैंड बना दिए भाई। अच्छा, यहाँ पे मास्क लगाना अनिवार्य है, ठीक है, अपने पास है मास्क लगा लेंगे। और यहाँ पे टॉयलेट भी है, यहाँ पे पुरुष टॉयलेट भी होगा। और ये देखिए भाई साहब, तो यहाँ पे टॉयलेट और पानी की भी व्यवस्था है, बहुत अच्छे ढंग से बनाए हुए हैं। देखो कितना बड़ा एरिया, ये तो पूरी बस खड़ी है। चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं जहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से काउंटर दिए हुए हैं जहाँ पे आप अपना टिकट बुक करा पाएंगे। यहाँ पे है बस, देखता हूँ, बनारस सरायपाली सारंग, यहाँ पे इतने सारे नाम दिए हुए हैं जहाँ पे आप अपना टिकट बुक करा पाएंगे। ये देखो, पटना बगीचा, ये भाई सब यहाँ पे टिकट बुक करने वाले हैं, यहाँ पे टिकट आपका बुक हो जाएगा। और यहाँ भी है, और चेयर भी दिए हुए हैं बैठने के लिए। धीरे धीरे फैसिलिटी बढ़ती जाएगी यहाँ का। और आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अब
टिकट हर एक चीज़ का पूछना सही नहीं है। टिकट का जो रेट है अप डाउन होता रहता है, तो पूरी दुकान अंदर ही में है भाई। मैं आप लोगों को बस दिखलाता हूँ यहाँ का, ये देखिए पूरी लाइन से लगी हुई है बस। उस साइड में भी है, वहाँ भी टिकट वगैरह बुक करा पाएंगे अगर आपको अंदर नहीं कराना है तो। और ये पूरी लाइन से लगी हुई है बस। यहाँ पे चाय नाश्ता भी है, तो यहाँ पे आप स्नैक वगैरह चाय वगैरह पीना चाहते हैं तो वहाँ पे दुकानें भी उपलब्ध हैं, टॉयलेट वगैरह दिए हुए हैं। ये देखो यात्रीगण वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सही है भाई, यहाँ भी आपको टिकट मिल जाएंगे। और आपको बस दिखलाता हूँ मैं, ये देखो एक से एक है भाई यहाँ पे बस, लग्जरी बस, एसी वाले बस, नॉन एसी वाले बस, पूरी लाइन से लगी हुई है भाई बस। और ये देखिए क्या नज़ारे हैं, कितना सुंदर सा बना हुआ है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है, अगर आपका बस निकलने वाला रहेगा तो यहाँ अनाउंस किया जाएगा। रोग भिलाई की गाड़ी लगी हुई है मेनपुर, अनाउंसमेंट हो रहा है। तो सही है भाई, भाई घूमते घूमते तो हालत ख़राब हो जाएगा हमारा। कंटिन्यू बस निकल रही है, काफ़ी शानदार सा बना हुआ है, वहाँ पे घड़ी भी दिया हुआ है, 12 बजने वाले हैं। इस साइड का एरिया थोड़ा सा देखते हैं अपन, हर एक बस मिल जाएंगे आपको, आपको जहाँ भी जाना हो, आई मीन मुंबई, दिल्ली, पुणे, औरंगाबाद, इस तरह से चाय नाश्ता पूरी दुकानें लगे हुए हैं। ये देखो जहाँ पे आप चाय नाश्ता खाना ये सब कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा बस स्टैंड है ना, उसके पीछे साइड का एरिया में है, तो यहाँ भी खाना पीना ख़रीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे चावल मिल जा रहे हैं, समोसा गर्मा गर्म निकल रहा है। तो देखिएगा इस बहुत सही बना हुआ है नया बस स्टैंड। इसके बाद मैं आप लोगों को सिटी से आप कैसे आ सकते वो बता दूंगा जाते जाते। तो मेरा तो वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया, पूरा एरिया आप लोगों को मैं पूरा दिखला दिया। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताइएगा और कहाँ का ब्लॉग देखना है। यहाँ भी इस तरह से दुकानें लगे हुए हैं रोड किनारे में, तो यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा ये बस स्टैंड। और साफ़ सफाई के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, अब देखते हैं साफ़ सफाई ये मेंटेन रख पाएंगे या नहीं। मेंटेन रखें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो फिर जानते तो हैं कचड़ा होने में वक्त नहीं लगता। और रायपुर इतना बेहतरीन बस स्टैंड बना दिए भाई, देखो साइकिल चढ़ा रहे ऊपर में, देखो बस निकल रही है राजिम अभनपुर के लिए। तो सामने में है यातायात थाना, शिकायत करने हैं या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है तो थाना भी यहाँ पर दिया हुआ है। खूबसूरत सा ये बस स्टैंड बना हुआ, समझ गया गाइस। देखो सामने में ना रेलवे स्टेशन वाली रूट है और हमारे राइट साइड में है घड़ी चौक, आपको दिखलाता हूँ अगर दिख पाए तो। ये देखो सामने में है घड़ी चौक और ये सीधा लेके जाएगी पंडरी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वाली रूट, और ये लेके जाएगी एम्स भिलाई दुर्ग के लिए। तो ये चौक ध्यान में रखिएगा, चौक से सीधे सीधे अंदर जाना आपको, तब जाकर आपको मिलेगा नया बस स्टैंड। यहाँ पे जितने भी खाना पीना से रिलेटेड दुकान लगाते थे जैसे कि बिरयानी सिंपल सादा खाना, उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि अब यात्रीगण तो यहाँ से आएंगे ही नहीं, और जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे वो सब तो यहीं आसपास के क्षेत्र के लोग रहेंगे। और ये देखिए बस स्टैंड का हाल,
एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है भाई पुराना बस स्टैंड। किसी जमाने में यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड हुआ करता था कि क्या ही बताएं। पता नहीं यहाँ पे क्या खोलने वाले हैं। तो जितने भी यहाँ पे इस तरह से व्यवसाय करते थे ना गाड़ी बुकिंग, उन सबका तो अभी चौपट हो गया होगा। हालांकि उन लोग भी वहाँ शिफ्ट हो गए होंगे, लेकिन दिक्कत तो हो गई। जो लोग यहाँ पे परमानेंट दुकान बनाए रहे होंगे या फिर खरीदे रहे होंगे, पूरा सन्नाटा है। तो गाइस आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।